आज उपाय की मॉडर्न हिस्ट्री की 10th क्लास है और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से 1857 या उसके आसपास से और किस तरह से कुछ पॉलिटिकल मोमेंट्स स्टार्ट हुए हमारे देश में। पॉलिटिकल मोमेंट्स क्या बोलते हैं जिनको, जैसे कि जैसे अंग्रेजों को हटाने के प्रयास करने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से स्टार्ट हुए, तो आज उनके बारे में जानेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा कि अंग्रेज इंडिया में आए और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इंडिया में क्या किया कि पहले तो सबसे पहले कहा बाहर की पावर्स को हटाया, जो फ्रेंच थे, डेनिश थे, पोर्चुगीज थे, उन सबको भारत से हटाया और उसके बाद में जो यहाँ के राजा महाराजाओं को भी हटा दिया। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करने लग गई और 1857 की जब क्रांति हुई, रिवोल्ट हुई, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हटा के वहाँ की क्राउन, मतलब वहाँ की महारानी का राज भारत में आ गया, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरे राज में आ गए। और इसके बाद में जो भी नए गवर्नर जनरल आते थे या जो भी है, उसकी जगह नया पोस्ट बन गया वॉइसरॉय। ठीक है, ये नई चीज़ थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे देश में पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम चली आ रही थी। आपने देखा होगा कि भाई अंग्रेज बहुत ज़्यादा शोषण करते थे लोगों का और लोगों का गुस्सा था पहले से ही, तो इस वजह से क्या था कि लोग थोड़ा सा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो उस चक्कर में क्या था, लोगों का रोष तो था ही थोड़ा थोड़ा, तो उस चक्कर में क्या है, थोड़े थोड़े कहीं छोटे 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 मोमेंट्स स्टार्ट हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो आज हम उन मोमेंट्स के बारे में जानेंगे, मोमेंट्स कौन कौन से स्टार्ट हुए। 1857 की तो बहुत बड़ी क्रांति थी, उसके अलावा भी छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में क्या क्या चलने लगा उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो और एक ऐसे करते करते और 1885 में, 1885 में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका नाम था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो आज की पार्टी है INC, वो उसी का पार्ट है एक तरह से, जो पहले उस टाइम पे 1885 में ओपन हुई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो जब 1857 से लेके और लगभग 1885 तक, तब तक कांग्रेस नहीं बनी थी, उसको बोलते हैं प्री कांग्रेस एरा, मतलब कांग्रेस से पहले। ठीक है, प्री होता है ना, मेन से पहले, जैसे प्री होता है, तो इस तरह से प्री कांग्रेस एरा में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी। मोस्टली आपको नामों से मतलब होना चाहिए कि कौन कौन से नाम है, किसने बनाया था, कौन सा ईयर है, आप इतना याद करेंगे तो काफ़ी है। तो क्या हुआ था, छिटपुट छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। आपने देखा ब्रह्मो समाज बना, आपने देखा आर्य समाज बना, आपने परमहंस देखा, तो ये सब तो क्या थे, ये सब तो मतलब सोशल रिलीजियस थे, मतलब ये गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं था, ये तो मतलब हमारी सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो रही थी तो उनके खिलाफ ये मूवमेंट थे, पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, राजनीतिक नहीं था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने का प्रयास करे। ठीक है, तो इसके लिए नए नए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब उनके बारे में क्यों स्टार्ट हुए, पहली बात तो लोग ये समझने लग गए थे फैक्टर्स कौन कौन से थे इनको, इनके बढ़ने के। तो फैक्टर्स क्या थे, इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो फैक्टर ये थे कि क्या था, पहली बात तो जैसे कि लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि जो भारत के इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब भारत की जो, मतलब अंग्रेजों का इंटरेस्ट क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा मुनाफा कमाना। ठीक है, एक तरह से सारी चीज़ें यहाँ से लेके चले जाना है ना, और भारतीयों का क्या इंटरेस्ट रहेगा, जैसे हम लोग हैं तो हमारा क्या इंटरेस्ट रहेगा कि हमारे बच्चों का डेवलपमेंट, हमारा खुद का डेवलपमेंट, पर ये दोनों इंटरेस्ट अलग अलग है। ठीक है, अगर वो हम पे पैसा लगाएंगे तो वो खुद नहीं लेके जा पाएंगे, सिंपल सी बात है। आज की गवर्नमेंट का इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट सेम है, तभी डेवलपमेंट होगा। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, मेरे को अच्छी रोड मिले। अगर गवर्नमेंट का भी यही इंटरेस्ट है कि वो अपने सारे लोगों को ये सब सुविधा दें, तो हम दोनों का इंटरेस्ट सेम है। पर मान लो गवर्नमेंट का और दूसरा इंटरेस्ट है, उसके नेता भ्रष्ट हो गवर्नमेंट का, और वो चाहे कि अपनी तिजोरी भरें, अपने ही पैसे, मतलब अपने में ही सारे का सारा पैसा लगाएं, तो उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, उनकी रुचियां अलग होगी, हमारी रुचियां अलग होगी, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ब्रिटिशर्स के और हमारे इंडिया के इंटरेस्ट में डिफरेंस लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग गया। स्टार्टिंग में तो इतना समझ में नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, यार ये लोग तो पूरा हमको बेवकूफ़ बना रहे। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जिससे हमारे देश में यूनिटी आई। ठीक है, जैसे कि मान लो अंग्रेजों ने रेल बनाई, सपोज करो, है ना, तो रेल से लोग क्या करने लगे, इधर से उधर जाने लगे। तो एक जगह का नेता बाल गंगाधर तिलक मुंबई में थे, तो मुंबई से जाके और कलकत्ता में भी अपना भाषण देके आते थे। पहले क्या था, बैलगाड़ी, इस तरह की मोटर गाड़ी छोटी छोटी, उनसे पहुँचने में कई महीने लग जाते थे। अभी क्या, रेल वगैरह से बहुत फास्टली जाते थे, तो उससे हमारे देश में एक एकता का भाव आया। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री है। फिर वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन, धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या हुआ, इंग्लिश वगैरह को इम्प्लीमेंट करने लग गए हमारे देश में, इंग्लिश स्कूल्स खोलने लग गए। तो इससे क्या हुआ, जो
यहाँ के लोग जो स्कूल्स में पढ़ते थे उन्होंने धीरे धीरे बाहर के कल्चर को पढ़ना स्टार्ट किया कि यार वहाँ तो बहुत फ्रीडम है और हमारे यहाँ तो इन लोगों ने गुलाम बना रखा हमको। तो जब वहाँ की चीज़ों के बारे में जानने लग गए तो इनको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि ये अंग्रेज़ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लोगों में आक्रोश और बढ़ने लगा एक तरह से उसके खिलाफ। फिर यहाँ पे प्रेस और लिटरेचर भी बढ़ने लग गई, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर चालू हो गए धीरे धीरे भारत में, तो वो लिखते थे कि कुछ अंग्रेज़ गड़बड़ करते थे तो लिखते थे देखो हमारे हमारे मतलब जैसे आज के अखबार भी जैसे लिखते हैं ना कुछ गड़बड़ होती है तो उसके बारे में लिखते हैं, सेम उस तरह से। फिर क्या हुआ, हमारे देश के ऊपर कुछ हिस्टोरिकल रिसर्च स्टार्ट हो गया। ये अंग्रेज़ क्या बोलते थे कि अंग्रेज़ बोलते थे कि तुम तो हमेशा से गुलाम रहे हो, है ना, भारत तो हमेशा से गुलाम रहा है और गुलामी की आदत तुमको रहनी चाहिए, तुम स्लेव ही हो। पर धीरे धीरे क्या हुआ, रिसर्च जब हुई हमारी हिस्ट्री की, है ना, मैक्स मूलर नाम के बाहर के आदमी थे और हमारे लोकल लोगों ने भी, जैसे कि अपने विवेकानंद जी ने, इन्होंने जब हमारे पास्ट के बारे में बताया कि भारत का पास्ट तो बहुत ग्लोरियस था, हमारा पास्ट तो बहुत ग्लोरियस था और हम मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि हमेशा से गुलाम थे, हम तो बिल्कुल आज़ाद लोग थे स्टार्टिंग में और बहुत धन धान्य से पूरी तरह से भरे हुए थे। तो ये लोग जो हिस्ट्री बता रहे हो गलत बता रहे, तो इससे भी लोगों का थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि हम तो पूरे अपने मतलब बहुत संपन्न लोग थे, इन लोगों ने हमको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया। फिर ये मिडिल क्लास के लोग थोड़े से इंटेलिजेंसिया ये भी आगे आए कि भाई जैसे कि मान लो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर को मान लो, या इस तरह के लोग जो थोड़े मिडिल क्लास के लोग थे वो पढ़ने उड़ने में इंटरेस्टेड थे, तो उन वो भी आगे आने लगे कि हाँ भाई कुछ करना चाहिए देश के लिए, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में भी उस टाइम पे बाहर भी आज़ादी की कुछ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट चल रहे थे, बाहर भी कुछ आज़ादी के मूवमेंट चल रहे थे, तो उनसे भी न्यूज़ आती थी कि यार वहाँ पे ऐसा आंदोलन हुआ, इजिप्ट में ऐसा हुआ या चिली में ऐसा हुआ, तो हमारे यहाँ पे भी हो सकता है इस तरह से। फिर अंग्रेज़ की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ये बहुत मतलब जो भी आता था अंग्रेज भारत वाले लोगों पे थोड़ा जुल्म करता था, उस वजह से भी लोग परेशान थे, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने एक तरह से कांग्रेस क्या हुआ कि छोटे छोटे जो एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड लोगों ने क्या किया कि हम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कुछ उनकी बातें करेंगे कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, उनको बताएंगे। तो इसको बोलते हैं प्री कांग्रेस एरा। तो उस टाइम पे क्या क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खुली थी, मैंने ये लिस्ट बनाई है। बंगाल में सबसे एक्टिव जगह थी बंगाल, ठीक, क्योंकि वो राजधानी थी इनकी, ब्रिटिशर्स की राजधानी थी 1911 से पहले पहले तक की, तो ब्रिटिश इंडिया की राजधानी होने की वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती थी। तो सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी खोली 1838 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये क्या करती, लैंड होल्डर्स मतलब जमींदारों के मतलब राइट्स के लिए ये उन्होंने खोली एक एसोसिएशन कि भाई जमींदारों की कोई बात नहीं सुन रहा, उनसे बहुत सारा पैसा लेते हैं और किसान दे नहीं पाते हैं, समथिंग समथिंग, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने बोला कि हम सारे जमींदार मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं और जमींदारों के हितों के लिए अंग्रेज़ों से बात करेंगे हम। ये सबसे पहले 1838 में खुली। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी खुली, ठीक है, 1843 में। और फिर देखो इसमें से बंगाल हटा दिया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी खोली, इन ऊपर वाले दोनों को जोड़ के 1851 में। अब ये लोग भी, इनका काम भी यही था कि फार्मर्स के इश्यूज़ को बताएं ब्रिटिशर्स को, नहीं ये मतलब ज़्यादा कर ले रहे हो आप, ज़्यादा वो मतलब टैक्स लगा रहे हो, हमको थोड़ा और मतलब रियायत दो, समथिंग इस तरह की बातें करते थे, मतलब बड़े लोगों की बातें करते थे मतलब, है ना, छोटे गरीब लोगों की ये लोग भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। फिर इंडियन लीग एक खोली 1875 में, शिशिर कुमार घोष, एस के घोष, ठीक है, थोड़े नाम याद रहने चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने देखा है इसलिए मैं ये क्वेश्चन सारे डाल रहा हूँ आपके, ठीक है, क्योंकि मैंने SSC में भी देखा ये सब पूछे जग गए हैं तो इसलिए डाला। और फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुली, इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और AM बोस, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोली। और ये क्या करते थे कि ये बोलते थे कि भाई अंग्रेज़ों को पत्र वगैरह लिखते थे और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे छोटे मोटे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, हमको और अधिकार मिलने चाहिए। अंग्रेज़ों को हटाने की बात कोई नहीं करता था, बस हाँ ठीक है हमको और अधिकार दो, हम लोगों को और अधिकार दो, अभी हमको सड़कों के लिए पैसा दो, बिजली के लिए पैसा दो, और उसके अलावा हमको और थोड़े से राइट्स दो हमारे, है ना, जो आपने नहीं दे रखे, ठीक है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन खुली। मुंबई में भी सेम दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पूना सार्वजनिक सभा खुली जो एम जी रनाडे ने खोली, महादेव गोविंद रनाडे 1867, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन खोली 1885 में, तीन जनों ने, तैयब जी ने, मेहता ने और तेलांग ने, ठीक है, TMT, ठीक है, TMT, तैयब जी, मेहता और तेलांग, ठीक है।
आपको ज़्यादा इनमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस खुली थी, और ये बहुत एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये बस अंग्रेज़ों से अनुनय विनय करती थी एक तरह से कि साहब हमारी बात सुन लो, है ना, आप गलत कर रहे हो। कोई ऐसे गांधी जी की तरह नहीं कि भाई चलती है पूरा देश एक साथ जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया, इस तरह से नहीं, बस अंग्रेज़ों को एक लेटर दे दिया कि आप गलत कर रहे हो। जैसे आप लोग कोई एक सिटी में रहते हो, आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है आपकी कॉलोनी में, तो आप क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, पहले भूख हड़ताल पे तो बैठोगे नहीं, आप क्या करोगे, पहले लेटर वगैरह दोगे वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर को, है ना, फिर बोलोगे, हाथ जोड़ोगे कि भाई ये काम करवा दो, ये काम ये करते थे, ठीक है। फिर मद्रास में एक खुली मद्रास महाजन सभा, ये 1884 में थी, ठीक है। इसका वीर राघवचारी अय्यर साहब और आनंद चालू, ये इनके मतलब फाउंडर्स थे आनंद मद्रास महाजन सभा के। फिर लंदन में बाहर भी एक दादाभाई नरोजी ने एक बाहर ऑर्गेनाइजेशन खोली जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। तो एक तरह से नाम है, मैंने नाम की एक लिस्ट बना के दे दी, थोड़ा इंपॉर्टेंट कि जिससे कि आपको ये याद रहे, और एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, पूना सार्वजनिक सभा किसने ओपन की थी, एमजी रनाडे, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने ओपन की थी, दादाभाई नरोजी, कहाँ पे ओपन की थी, लंदन। इस तरह की चीज़ें लोग पूछ सकते हैं। बस इनके पीछे मोटिव क्या था कि थोड़ा अंग्रेज़ों से बोले कि हमको थोड़ी और रियायतें दो, हमको और फ्रीडम दो, हम इधर उधर घूम सके, ठीक है, और हमारे मतलब जो सैनिक भाई हैं उनको थोड़ा सा और उनको मतलब राइट्स मिल सके, उनको बराबर तनख्वाह मिल सके, ठीक है। सिविल सर्विसेज में हमारे ज़्यादा लोग आ सकें, सिविल सर्विसेज IAS IPS इस तरह के लोग, ICS बोलते थे पहले, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उसमें ज़्यादा लोगों को भर्ती दो, इस तरह की ये बातें करते थे, ये कभी विद्रोह करने की बातें नहीं करते थे। तो इन लोगों ने मिल मुल के, ये सारे लोग थे, तो छोटे मोटे आंदोलन भी किए। सबसे ज़्यादा लिटन के टाइम पे आंदोलन हुए, लिटन मतलब ये वायसराय था एक टाइम पर, ठीक है, 1878 के आसपास ये वायसराय था, ठीक है। इस ये थोड़ा खतरनाक बंदा था, इसने बर्मा के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ दी थी, उसमें भारतीय सेना को भेजता था और भारतीय जवान जाने के लिए रेडी नहीं रहते थे, तो भारतीय जवान तो खुद तो विद्रोह नहीं करते थे, पर ये लोग अपनी नाराज़गी, जो ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, नाराज़गी लिखने के लिए एक लेटर लिख देती थी, साहब हमारे मत ले जाओ इन लोगों को, इस तरह की बातें थी। फिर इसने क्या किया था, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज IAS IPS उसकी मैक्सिमम एज 21 साल से 19 साल कर दी। पहले बोलो 21 साल में IAS बनना पड़ता था, उसके अलावा नहीं, उसके बाद में मौका नहीं मिलता था, तो इन्होंने 19 ही कर दी इसने। तो इसका क्या मकसद था, इसका 21 से 19 करने का, देखो आप लोग भी सब 19 से तो ऊपर ही हो गए, तो आप मतलब दे ही नहीं पाओगे एग्ज़ाम। तो भारत में क्या था, भारत में लोग एजुकेशन थोड़ा लेट स्टार्ट करते थे, इतना था भी नहीं एजुकेशन, तो इसलिए कि भाई सिर्फ बाहर के लोग जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वहाँ पे जल्दी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो 19 साल तक वो ग्रेजुएट वगैरह सब हो जाते हैं, तो उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री मिले, और भारत के लोग तो 19 साल तक कुछ कर ही नहीं पाते, 12वीं पास नहीं कर पाते, तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसकी ये थी, तो इनके खिलाफ भी इन लोगों ने थोड़ा आंदोलन किया। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आई थी 1878 में, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज की प्रेस मतलब न्यूज़पेपर्स, उनके खिलाफ भी कि उनको सप्रेस किया जा सके, उनको दबाया जा सके, इसके खिलाफ भी एक कानून आया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने आंदोलन किए इन सब लोगों ने, और फिर एक आर्म्स एक्ट भी आया था, ठीक है, उसके खिलाफ भी इन्होंने वो किया। ये सब लिटन के टाइम पे आया था, ठीक है। और फिर रिपन, लिटन के बाद में आया रिपन, वो भी वायसराय बन के आया, उसके टाइम पे एक इल्बर्ट बिल आया। तो ये कहता रिपन बहुत अच्छा बंदा था, लिटन खराब बंदा था। तो इल्बर्ट रिपन क्या किया, रिपन ने सोचा कि यार कुछ बढ़िया किया जाए अपने देश के लिए, इसको फादर ऑफ पंचायती राज और इस तरह के नाम है इसके, लोकल गवर्नमेंट इसको बोलता है रिपन को, जो लोकल मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं सिटीज़ में होती है ना, ये इसी ने स्टार्ट की थी एक तरह से, इनको पावर देना इसी ने स्टार्ट किया था, तो इसलिए इसको फादर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ और इस तरह से लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा बंदा था, तो इसने क्या किया यार, पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि किसी ने खून किया, ठीक है, सपोज करो किसी ने खून कर दिया, तो अगर कोई ब्रिटिश मतलब बाहर के आदमी ने, ये समझो कि सिर्फ ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही भारत में काम नहीं कर रहे थे, और भी बहुत व्यापारी बाद में आने लग गए थे, क्योंकि 1857 के बाद में तो मतलब कंपनी तो ख़त्म ही हो गई थी एक तरह से, तो बहुत से लोग आके बिजनेस मैन लोग ये काम करते थे भारत में। तो क्या करते थे कि ये लोग कोई भी घटना कर दें, अगर इंडियन करेगा तो उसको तो बहुत सज़ा मिलती थी, ठीक है, वही घटना अगर किसी का मर्डर हो गया तो सपोज करो, और वही ब्रिटिशर्स ने कर दिया तो इंडियन जज उसकी सुनवाई नहीं करेगा, ऐसा होता था। उसकी सुनवाई कौन करेगा, जो बाहर का ब्रिटिश जज होगा,
ठीक है, वही करेगा। तो ब्रिटिश जज तो अपने वहाँ के लोकल लोग को थोड़ा सा रियायत देगा, उसको कुछ नहीं, 14 साल की जेल को बोल देगा 6 महीने जेल, बस इतना ही। तो यहाँ के लोगों को ये बात बहुत खटकती थी कि यार अब जज वगैरह क्या, भारतीय भी लोग भी जज बन रहे थे और बाहर के लोग भी आते थे ब्रिटिशर्स, तो कि ये क्या नाटक है, मतलब एक सज़ा यहाँ का आदमी करे और एक बाहर का करे, तो बाहर वाले को तो कुछ ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि, और यहाँ वाले को बहुत मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके उस टाइम पे बाहर वाला अगर कोई सज़ा करता था तो उसको, उसके लिए जो जज नियुक्त किया जाता था उसकी सज़ा को देखने के लिए कि भाई कितना मिलना चाहिए इसको, सुनवाई के लिए, तो वो बाहर का ही होता था। तो लोगों ने थोड़ा विद्रोह किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर का हो या यहाँ का हो, जज सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं मान लो मैं जज हूँ तो मैं ही, अगर मेरे मेरी को मेरे एरिया में अगर कोई क्राइम होगा तो मैं, चाहे ब्रिटिशर्स होगा या इंडियन हो, मैं ही सजा दूंगा, ठीक है। और पहले क्या होता था, अगर इंडियन कोई करेगा तो मैं दे सकता हूँ, पर ब्रिटिशर्स आ गए तो एक और नया जज लेके उससे करवाएंगे उसको सजा। तो ये तो बहुत गलत था। रिपन ने सोचा ये बहुत गलत हो रहा, तो उसने एक इल्बर्ट बिल लाया, ठीक है। इल्बर्ट बिल ये बोलता था कि नहीं, ये गलत हो रहा है अभी इंडिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए सजा, मतलब जज वगैरह चेंज नहीं करनी चाहिए, चाहे इंडियन कोई सजा गड़बड़ करे या ब्रिटिशर्स कोई गड़बड़ करे, तो दोनों को सजा देने के लिए सेम ही जज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हटा के ब्रिटिशर्स जज ला दें, ठीक है। तो ये इल्बर्ट बिल आया, इसके टाइम पे आया। पर जैसे ये बिल आया, अब वहाँ पे क्या हो गया, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में बहुत उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलने लग गए, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में बहुत प्रोटेस्ट चले कि भाई नहीं, ऐसा कैसे, तुम तो भारतीयों को बराबर का अधिकार दे रहे हो, ये क्या नाटक चल रहा है। तो वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए, फिर उन्होंने, इसने रिपन ने बेचारे ने दबाव में आके एल्बर्ट बिल को वापस से ले लिया, और जो पहले वाली चल रही थी वैसे के वैसे ही सारी की सारी व्यवस्था चलती आई। इन लोगों ने भी देखा यार ये क्या हुआ, इतना अच्छा बिल आया था ये वापस चला गया। तो इन लोगों ने पर ये सीख लिया कि भाई देखो, जैसे यूरोपियन ने इस बिल के खिलाफ विद्रोह किया, ऐसे हम भी फ्यूचर में विद्रोह कर सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं इस चीज़ों से। तो थोड़ी बहुत इन लोगों को सीख तो मिली कि किस तरह से विद्रोह करना, ठीक है। तो ये एक आज आज का टॉपिक है, सिर्फ प्री कांग्रेस तक मैंने पढ़ा है। इसके बाद में ये छोटी मोटी सारी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे करके, क्या तो कोई छोटा मोटा काम करती रही, अदरवाइज ये ख़त्म हो गई, और इनकी जगह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब उसका रूप लिया, और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कांग्रेस, ठीक है। और आप मतलब जो आज कांग्रेस चल रही है वही कांग्रेस है उस टाइम की। तो ये कांग्रेस मतलब ये सारी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आई। इन सब के आदमियों ने बोला कि ठीक है यार, ये छोटे छोटे हम काम कर रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे देखो, ये मद्रास में काम कर रहे थे, ये मुंबई में काम कर रहे थे, ये बंगाल में काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं, हम पूरे इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो एक शक्ति के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और उस कांग्रेस का नाम क्या दिया, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या दिया, कांग्रेस, वो बनी 1885 में। उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू।